दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। तीन महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जिन्हें हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये होता है कि पौधे को इनकी आवश्यकता बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलती है। तो तीन पोषक तत्व के सबसे पहले फंक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे इनकी कमी के लक्षण। कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो कैल्शियम मिलता कहाँ है पौधे में, या इसकी डिफिशेंसी या इसके फंक्शन हम कहाँ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यह टिप्स पर मिलता है। कैल्शियम हमेशा मेरिस्टेम, जो पौधे की सबसे ऊपरी ग्रोथ होती है, वह कैल्शियम की वजह से होती है, और जो सबसे रूट टिप की ग्रोथ होती है वो भी कैल्शियम की वजह से ग्रोथ होती है। सीधा मतलब हुआ कि कैल्शियम अगर नहीं हो तो रूट टिप, मतलब रूट का विकास नीचे से जो नीचे जाती है जमीन में, और ऊपर स्टेम की जो सबसे ऊपरी पार्ट है, जैसे हम मेरिस्टेम कहते हैं, उसका भी ग्रोथ में यह सहायक होता है। ये मैंने आपको बताया नॉर्मली, लेकिन इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है सेल प्लेट के निर्माण में भाग लेता है, जिससे सेल डिवीज़न ज़्यादा से ज़्यादा होता है और फसल की बढ़वाड़ ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा इसका फंक्शन है मिडिल लेमेला, जो होती है दो सेल के निर्माण में तीन स्ट्रक्चर होते हैं सेल में, तो जो मिडिल लेमेला होती है, मिडिल लेमेला में कैल्शियम पैक्टेट का एक बहुत पूर्ण पार्ट होता है। अगर कैल्शियम पैक्टेट सही तरीके से होगा तो सेल का निर्माण भी ठीक से ठीक होगा। तो ये कैल्शियम के महत्वपूर्ण फंक्शंस हो जाते हैं। और कैल्शियम के क्या फंक्शन है, तो यह कार्बनिक अम्ल को उदासीन बनाता है और पौधे में हाइड्रोजन को भी कम करता है, हाइड्रेशन जो होता है उसको कम करते हैं, और जो इसके कैरेक्टर हो सकते हैं, पोषक तत्वों के मोमेंट को नियंत्रित करते हैं। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम के यहाँ पर हम डिफिशेंसी सिम्टम्स देख लेते हैं। जब मान लीजिए कैल्शियम के डिफिशेंसी सिम्टम आपको देखना है, तो हमेशा पत्तियों के ऊपरी भाग को देखना है, सबसे ऊपर टॉप पर देखना है, और वहाँ पर यदि पत्तियाँ आधी पीली है और आधी हरी है, समझ लीजिए ये कैल्शियम की कमी के लक्षण है। और दूसरा, हम रूट टिप को उखाड़ते हैं और अगर रूट टिप मर गई है तो ये भी कैल्शियम के लक्षण है। कैल्शियम की कमी के लक्षण अब ऐसा ध्यान रखिएगा कि हुक टाइप की पत्तियाँ बढ़ती है जहाँ पर एलोइंग हुई है, ठीक है ना, जहाँ पर जिन पत्तियों में एलोइंग हुई है वो पूरी पत्ती मुड़कर हुकिंग टाइप हो जाती है, लाइक कप लाइक हो जाती है, तो ये कैल्शियम की कमी के लक्षण है। और ये सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है कि इससे मेरिस्टेम प्रभावित होता है, आपको बता ही दिया है मेरिस्टेम से प्रभावित होता है। तीसरा इसका ये है कि इससे तीन चार बीमारी होती है, ब्लॉसम एंड रॉट, टीप हुकिंग कॉलीफ्लावर एंड बीटर पीट ऑफ एप्पल्स। खोज किसने करी थी कैल्शियम की, तो कैल्शियम की खोज करी थी भैया हमारे सैम हार्स्टमर ने 1856 में। ये कैल्शियम हमारा पूरा हो जाता है। कैल्शियम की कमी अगर खेत में है तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए फसल की बुआई के साथ, तो कैल्शियम रूट और टिप को बढ़ाने का काम करता है इसलिए। दूसरा जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं, तो मैग्नीशियम के फंक्शंस में यह क्लोरोफिल के निर्माण का प्रमुख अंग है। दूसरा है कि यह फास्फोरस का वाहक का काम करता है, जब बीजों का निर्माण होता है तो फास्फोरस को पूरे पौधे में घुमाने का जो काम करता है वो मैग्नीशियम करता है। साथ में मैग्नीशियम का जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अगर ऑयल और फैट्स का निर्माण अगर हमें करना है, तो ऑयल और फैट्स वाली फसलों में मैग्नीशियम का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम और राइबोसोम का मेन पार्ट होता है मैग्नीशियम, और इसके साथ ही पौधों में जो स्टार्च बनता है, स्टार्च कहाँ बनता है, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उस पर जो स्टार्च बनता है, स्टार्च के वाहक का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। मतलब फसलों में स्टार्च ही महत्वपूर्ण होता है, तो अगर मान लीजिए सिंक बनाना है तो मैग्नीशियम आपको खेत में देना पड़ेगा। अगर हमें इसकी पूर्ति करनी है तो मैग्नीशियम सल्फेट को देंगे। इसकी कमी के लक्षण को हमें देखना बहुत आवश्यक है। कमी के लक्षण में हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश निचली पत्तियों पर, सबसे नीचे की जो पत्तियाँ होती है वहाँ पर देखता मिलता है, जिसे हम ओल्डर लीव्स कहते हैं, सबसे छोटी पत्तियाँ, वहीं पर मैग्नीशियम के भी सल्फर दिखें, मैग्नीशियम के भी सिम्टम दिखें। मैग्नीशियम सिम्टम हमेशा क्लियर होते हैं कि जो पत्ती की सिराएँ होती है, तो सिराएँ की हरी रहती है लेकिन उसके बीच का पार्ट जो होता है वो पीला हो जाता है, जैसे आप इस लीफ में देख पा रहे होंगे कि पत्तियों के बीच का भाग जो है वो पीला हो गया है पूरा, और सिराएँ हरी की हरी है, तो ये मैग्नीशियम की कमी के लक्षण होते हैं। साथ में मैग्नीशियम की कमी में डेड स्पॉट बनता है, वो भी कहाँ बनेगा, केवल मार्जिन में, मतलब मार्जिन में डेड स्पॉट बनेगा, और सिराएँ अगर बीच में पीली हो रही है और सिराएँ हरी है तो वो मैग्नीशियम के सबसे ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं।
इसके बाद पत्तियां में कर्लिंग आ जाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है निचली पत्तियों में तो कर्लिंग आपको देखने को मिलेगा, पत्तियां कभी भी सीधे नहीं मिलेगी और जो स्टेम होगा वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ये मैग्नीशियम की कमी का लक्षण है। आगे जो इस पर हम बात करते हैं, सेंड्रोन डिसीज ऑफ इन टोबेको मैग्नीशियम की कमी से होती है। इसके बाद जो अगला न्यूट्रिएंट है वो मैग्नीशियम की जो खोज करी थी वो विल स्टेटर ने करी थी, ध्यान रखिएगा। फिर है सल्फर, सल्फर जो है खोज पीटरसन ने करी थी और सल्फर बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसके कैरेक्टर नाइट्रोजन से मिलते जुलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के डिफिशेंस सिम्टम हमेशा नीचे मिलेंगे लेकिन सल्फर के हमें हमेशा ऊपर मिलते हैं। तो क्या है, यह तीन अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे मीथियोनिन सिस्टीन और सिस्टाइन जैसे ने अमीनो अम्ल के निर्माण में भाग लेता है। तो अमीनो अम्ल मतलब सीधे ध्यान रखिए कि प्रोटीन के भाग निर्माण में डायरेक्ट ये भाग लेता है। ग्लूटाथिन और बायोटिन थायमिन जो हमारे विटामिन थे उनमें भाग लेता है। एसिटाइल को एंजाइम आपने सुना होगा क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस उसके निर्माण में सल्फर भाग लेता है। बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। अगर किसी फसल की खुशबू है, कोई फसल है उसमें खुशबू है, महक है, सुगंध है, जैसे तेलीय फसलें हमारी होती है, तो ऑयल साइड में सबसे ज़्यादा सल्फर का यूज़ किया जाता है। क्लोरोफिल के निर्माण में यह सहायक होता है, नोड्यूल्स के बनने में भी ये सहायक है। तो ये हमारे सल्फर के कैरेक्टर्स हैं। कमी के लक्षण, सल्फर की कमी के लक्षण हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी मैंने कैल्शियम के बताया, तो कैल्शियम के टिप पर देखना है, जो नई नई पत्ती निकल रहे हैं वहाँ पर देखना है। लेकिन कुछ ऐसी पत्तियाँ वहीं पर जो 10 दिन 20 दिन पुरानी है, उन पत्तियों पर हमें सल्फर के कैरेक्टर दिखते हैं। सल्फर के कैरेक्टर में पूरी पत्ती येलोइंग हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन की हमने कमी में देखा था। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे होते हैं और इसमें पत्तियाँ झड़ जाती है, लेकिन सल्फर में पत्तियाँ झड़ती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका कैरेक्टर है। डेड स्पॉट इसके कैरेक्टर में कभी नहीं बनते हैं कि डेड स्पॉट बनेंगे। साथ में और हम बात करें तो पत्तियाँ पीलापन हो जाती है और हरी होकर दृढ़ और मोटी हो जाती है। और इसका जो येलो स्पॉट ऑफ टी, एक बीमारी जो है टी में, येलो स्पॉट ऑफ टी जो होती है वो हमारे सल्फर की कमी से हुई है। तो ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट थे। अगर ये न्यूट्रिएंट आपको समझ में आया और वीडियो समझ में आपको आया है, तो ज़रूरी मेरे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।